हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि झज्जर की सब्जी मंडी को मॉडर्न लुक देकर उसे मॉडर्न सब्जी मंडी बनवाने के लिए कांग्रेस विश्व में मुद्दा उठाएगी। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी में जो फुटकर सब्जी विक्रेता हैं, उन्हें मांसाखोर का नाम दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसलिए सरकार से मांग की जाएगी कि मांसाखोर के शब्द को हटाकर सरकारी कागजों में उसे फुटकर विक्रेता के नाम से अंकित कराने का प्रयास कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि बेशक हरियाणा सरकार अनाज मंडी व सब्जी मंडियों में आढ़तियों और किसानों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने का दावा कर रही हो, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि ना तो अनाज मंडी में और ना ही सब्जी मंडी में किसानों और आढ़तियों का ध्यान रखा जा रहा है। आढ़ती व किसान दोनों ही परेशान हैं। आज हमारी झज्जर सब्जी मंडी फ्रूट मंडी जो है, इसमें यहाँ पर हम आए, एक तो सभी साथियों ने, मंडी प्रधान और जितने भी हमारे आढ़ती हैं, फड़ी वाले हैं, मांसाखोर हैं, उन सभी साथियों ने चुनाव के दौरान हमें आश्वासन भी दिया था, आशीर्वाद भी दिया, अपने वोट की ताकत भी दी। तो आज एक तो हम उनका धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद करने के साथ साथ हमारी जो झज्जर की मंडी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ भी हैं, काफ़ी जगह कम हो रही हैं, आढ़तियों को भी समस्या है और जो मांसाखोर भाई हैं उनको भी समस्या है। तो जमींदार जो यहाँ से सब्जी जो लेकर आते हैं, उनको भी यहाँ पर जो है अपनी सब्जी रखने की जगह नहीं है। तो इनकी सबकी जानकारी, समस्याओं की जानकारी लेने के बाद हम लोग इसको मामले को उचित होगा विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी। अभी मैं सीए मार्केटिंग बोर्ड से बात भी करूंगी और ताकि सभी के सामंजस्य के साथ इस बात का, समस्या का समाधान हो। दूसरा, जो मांसाखोर भाई हैं उन्होंने एक अपना एक मांग पत्र भी दिया, उसमें जो मांसाखोर शब्द है वो ज़्यादा सा अच्छा और उचित प्रतीत नहीं होता, तो उससे भी हम प्रयास करेंगे एक तो इस शब्द को बदला जाए। और दूसरा, जो हमारे आढ़ती भाई हैं उन्होंने कहा कि सुबह सुबह जब हमारे जमींदार साथी जब अपनी सब्जियां लेकर आते हैं तो रखने की जगह नहीं है, उनको भी जगह चाहिए। और दूसरा भी, तो और भी कई तरह की समस्या है, इसको थोड़ा सा मॉडर्न मंडी करने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो जो प्लॉटिंग ऑलरेडी हुई हुई है और किसी को पोजेशन नहीं मिली तो उसकी रीप्लॉटिंग की भी बात करेंगे। तो इस तरह की और भी बातें यहाँ पर आज हम आए, इनकी हमने न केवल समस्याएं जानी और विशेष तौर से हर जगह स्वच्छता की बात करते हैं तो यहाँ भी अति आवश्यक है कि यहाँ पर अच्छे से टॉयलेट्स का, शौचालयों का, आने वाले लोगों के लिए भी और आरतियों के लिए भी प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो सभी समस्याएं और इनके बीच में आज आकर इनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया और उसका समाधान का आश्वासन दिया। सब्जी व्यापारियों ने पूर्व मंत्री को सब्जी मंडी की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मंडी में जो किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं, उनकी सब्जियां रखने के लिए उचित स्थान मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। वहीं गीता भुक्कल ने कहा कि इस मामले में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ साथ संबंधित विभाग के मंत्री से लेकर किसानों और आढ़तियों की समस्याओं का हल निकलवाने का प्रयास करेंगी। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।